एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब? विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं आपका मित्र मनमोहन जोशी, और आज हम पार्ट 3 में हैं इंडियन पिनल कोड के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को समझने के लिए। भारतीय दंड संहिता 1860 में कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ये हम समझ रहे हैं सेगमेंट में। इससे पहले 2 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ, आज हम उसका पार्ट 3 और फाइनल लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको इनमें से किसी चीज के बारे में कोई डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जुड़ करके पूछें, या आप किसी और लॉ के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को इस तरह से समझना चाहते हैं तो आप जरूर मुझे बताएं। मैं सिर्फ सेक्शंस और उसकी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, इसको इलाबोरेट करेंगे हम वेरियस डिफरेंट लेक्चर्स में। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल विधिक शिक्षा से और जानते रहिए देश दुनिया के कानून को। आइए समझते हैं आईपीसी के और कौन से सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो लास्ट जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने जो आखिरी सेक्शन देखा था, दैट वाज सेक्शन 377, और चैप्टर 16 में हमने उसे खत्म किया था। बचे हुए चैप्टर्स हैं चैप्टर 17 से 23 तक। अध्याय 17 चैप्टर 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात करता है, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और ये अध्याय आपकी जानकारी के लिए आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय है, द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 378 में थेफ्ट या चोरी की परिभाषा है, 379 में पनिशमेंट है चोरी के लिए, 383 एक्सटॉर्शन या उद्दापन की परिभाषा देता है, और एक्सटॉर्शन उद्दापन या आकर्षण शब्द के लिए ये जो अपराध है पनिशमेंट मिलेगा 384 में। फिर हम जाते हैं सेक्शन 390 में रॉबरी या लूट की परिभाषा दी गई है, जिसके लिए पनिशमेंट है सेक्शन 392 में। सेक्शन 391 डकैती या डकैती की परिभाषा देता है, जिसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 395 में मिलेगा, पनिशमेंट फॉर डकैती, डकैती के लिए दंड। फिर हम चलेंगे सीधे सेक्शन 403 में डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, एक ऐसा अपराध है जिसका परिभाषा और दंड दोनों ही सेक्शन 403 में मिलता है। 405 में हम जाएंगे तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का प्रावधान है, आपराधिक न्यास भंग, और इसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 406 में मिलेगा, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड। सेक्शन 410 चुराई हुई संपत्ति या स्टोलन प्रॉपर्टी को परिभाषित करता है, और 411 से 414 तक अगर कोई चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करता है या बेईमानी से छिपाता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है। सेक्शन 415 से 420 तक चीटिंग के बारे में प्रावधान है, छल करना और छल के अपराध के लिए दंड के बारे में। सेक्शन 425 मिसचीफ या रिस्टी के बारे में प्रावधान करता है, मिसचीफ का मतलब है संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। और सेक्शन 426 से लेकर 440 तक विभिन्न प्रकार की रिस्टी यानी संपत्ति को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए पनिशमेंट का प्रावधान है। फिर सेक्शन 441 इंपॉर्टेंट है, आपराधिक अतिचार या क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी की प्रॉपर्टी में घुसना। इसका सबसे गंभीर रूप है हाउस ब्रेकिंग, जिसे कहते हैं गृह भेदन। सेक्शन 445 में इसको परिभाषित किया गया है, आपको ये जानना चाहिए, और इसके लिए पनिशमेंट है सेक्शन 453 में, पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 463 कूट रचना, फॉर्जरी जिसे कहते हैं हम, और 464 जिसमें दिया है मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, मिथ्या दस्तावेज रचना, पनिशमेंट 465 में मिलेगा, और अगर कोई काम ऐसा किया गया है जाली दस्तावेज बनाई गई है तो इसके लिए पनिशमेंट 468 में है, यदि उस जाली दस्तावेज या फॉल्स डॉक्यूमेंट का यूज चीटिंग के लिए किया जाता है। फिर हमारे पास सेक्शन आता है 489A से 489E तक, इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पर में काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी नोट यानी जाली या नकली नोट बनाने के लिए पनिशमेंट के प्रावधान है। चैप्टर 20 आईपीसी का एक चैप्टर है जो विवाह संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है, इसमें इंपॉर्टेंट है 494 और 495 जो पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरे विवाह को दंडनीय बनाते हैं, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ। फिर है चैप्टर 20A अध्याय 20 का सेक्शन 498A, इसमें आता है जो घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस को पनिशेबल या दंडनीय बनाता है। फिर चैप्टर 21 आता है ऑफ डिफेमेशन, मानहानि के विषय में है ये, किसी को डिफेम करना या किसी की मानहानि करना 499 में डिफाइन किया गया है, परिभाषित है, धारा 500 में इसके लिए दंड का प्रावधान है। धारा 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभिप्रास मतलब किसी को डराने धमकाने को दंडनीय बनाता है, और सेक्शन 511 धारा 511 महत्वपूर्ण धारा हो जाती है जो पनिशमेंट या दंड का प्रावधान करती है किसी अपराध के प्रयत्न के लिए, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास
या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। तो फ्रेंड्स, तीन पार्ट में आपने इंडियन पीनल कोड 1860 के इम्पोर्टेंट सेक्शंस को जाना। इसको बहुत डिटेल में मैं वन बाय वन लेकर के आपके सामने आऊंगा। करना बस आपको ये है कि जुड़े रहना है आपके अपने फेवरेट चैनल विधिक शिक्षा से। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।